सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं फैक्ट प्ले यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल ई फ्री के अंदर आप लोग किस तरीके से एक लोगो बना सकते हो, वो भी एक 3D लोगो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड भाई, अभी तक जिस भाई ने अरे सर पकड़ ले मेरे यार। तो फिर आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। वहाँ पर सभी के सभी चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं कि इस तरीके से आप लोग एक 3D लोगो को अपने मोबाइल के अंदर में डिजाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर। तो गाइस, लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको क्रोम ब्राउज़र से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का कोई भी बैकग्राउंड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर देने के बाद में आपको ये करना है, यहाँ पर आपको कुछ शेप्स ऐड करनी है एंड एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की, और कुछ इस तरीके से उनको एडजस्ट करके एंड वाइट कलर को यहाँ से रिमूव कर देना है। एंड आपको इस तरीके की दो कॉपी बना लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे आप लोगों को एडजस्ट करके दोनों को आपस में मर्ज कर लेना है। एंड मर्ज कर लेने के बाद यहाँ से वाइट कलर को हटा देना है, जिससे हम लोग इसमें कोई भी टेक्सचर ऐड कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं दो कॉपीज़ की बना लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखने लगेंगी। एंड एक में मैं गोल्ड वाला टेक्सचर करूँगा और एक में मैं सिल्वर वाला टेक्सचर करूँगा। ये वाले टेक्सचर आपको क्रोम ब्राउज़र से मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्सचर ऐड कर दिया, ऐड कर देने के बाद में आपका कोई भी अगर कोई भी पहला टेक्स्ट है तो यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ। अब अगर आपके चैनल का नाम एफ़ से शुरू होता है तो आप लोग एफ़ या एच लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टी और के लिखता हूँ, क्योंकि चैनल का नाम टेक किंग है, तो यहाँ पर मैं टी के लिख देता हूँ। तो बीच में मैंने के लिख दिया और यहाँ मैंने टी लिख दिया। तो इस तरीके के आप तरीके से आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद में आपको ये करना है, इनको भी टेक्सचर दे देना। तो गाइस, जैसे कि हमने शेप्स को टेक्सचर दिया था, इस तरीके से आपको इन टेक्स्ट को टेक्सचर दे देना। जैसे मैंने यहाँ पर टी को दे दिया सिल्वर वाला एंड के को दे दिया मैंने गोल्ड वाला। तो आपको यहाँ पर इनको शेडो दे देनी है एंड शेडो आपको ये करना है, तीन होते हैं उसमें, ऑफ सेट एक्स, ऑफ सेट वाई और ब्लर रेडियस, तीनों को आपको 12:12 रख देना है। एंड यहाँ पर टैग लिख देना है, यहाँ पर आप लोग देखते हो जो भी आपके चैनल का नाम है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। एंड लिख देने के बाद में आपको इसको कोई भी फ़ॉन्ट दे देना है एंड इसको भी हम लोग टेक्सचर दे देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देखते हो मैंने इसको फ़ॉन्ट दे दिया, यहाँ पर एक डेज करके फ़ॉन्ट आप लोगों को मिल जाएगा, डेज DAYS, वो वाला फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो आपको इनको भी यहाँ पर टेक्सचर दे देना है, जैसे मैंने टैग को यहाँ पर गोल्ड वाला दे दिया एंड किंग को मैंने यहाँ पर सिल्वर वाला दे दिया। तो फिर इस तरीके से आप लोगों को कर देना है। एंड इनको शेप्स इनके अंदर रख देनी है बिल्कुल छोटी छोटी, जिससे इनके अंदर टेक्सचर ऐड हो जाएगा। एंड आपको ये करना है, नीचे आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, कलर फिल्टर पर जाकर आप लोग इसको सेव कर सकते हो। तो गाइस, ये था हमारा पूरा ट्यूटोरियल। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना एंड नीचे मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, उसको भी जरूर से जाके फॉलो कर लेना। एंड भाई, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड चलिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।